नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 से 1833। इसमें आज हम पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल का क्रम याद रखने की एक सबसे आसान ट्रिक, और ये ट्रिक होगी इंग्लिश में, क्योंकि सारे गवर्नर जनरल के नाम इंग्लिश में हैं और इंग्लिश में इनकी ट्रिक बनाना आसान है और हिंदी में बनाना काफ़ी मुश्किल। इसलिए मैंने ये ट्रिक इंग्लिश में बनाई है। तो बंगाल में कुल 10 गवर्नर जनरल हुए। सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ये बंगाल का गवर्नर था, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये कहलाया बंगाल का गवर्नर जनरल। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हें चार्टर एक्ट 1833 के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें बिल्कुल भी। चलिए अब देखते हैं बंगाल के सभी गवर्नर जनरल को याद करने की सबसे आसान ट्रिक। इस ट्रिक को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है वॉरेन मेक्स कॉर्न, वॉरेन भुंटा बनाता है। शोर बेल्स बार्लो, शोर बार्लो के गले में घंटी बांधता है। मिंटो हैज एम ऑफ बैटिंग, मिंटो का उद्देश्य बैटिंग करना है। पहले पार्ट से हम तीन गवर्नर जनरल को याद करेंगे, दूसरे से तीन को, और तीसरे से चार गवर्नर जनरल को। तो इस प्रकार हम 10 के 10 गवर्नर जनरल को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने इनके नाम तो याद रख लिए, लेकिन इनका कार्यकाल कैसे याद करें कि कितने वर्ष तक इन्होंने भारत में अपनी सेवाएं दी। तो इसका भी एक तरीका है। यहाँ देखिए मैंने लिखा है वॉरेन मेक्स कॉर्न, शोर बेल्स बॉलो, मिंटो हैज एम ऑफ बैटिंग। यहाँ पर ऑफ को साइलेंट कर देना है, ऑफ से किसी भी गवर्नर जनरल का नाम नहीं है। वॉरेन के नीचे 12, मेक्स के नीचे 1, कॉर्न के नीचे 7, शोर के नीचे 5, बेल्स के नीचे 7, बार्लो के नीचे 2, मिंटो के नीचे 6, हैज के नीचे 10, एम के नीचे 5 और बैटिंग के नीचे भी 5। तो ये संख्याएं जो हैं ये इनके कार्यकाल को शो करती हैं कि भारत में इन्होंने कितने वर्ष कार्य किया। जैसे वॉरेन ने 12 वर्ष काम किया, बैटिंग ने 5 वर्ष काम किया। इस संख्या को इस तरह से भी याद कर सकते हैं, 12 1757, 26 10 55। तो चलिए अब इस ट्रिक की एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए यहां पर हम ट्रिक की एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं। वॉरेन से वॉरेन हेस्टिंग्स, ये 1773 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल रहे और ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। इनका कार्यकाल गवर्नर जनरल के रूप में 12 वर्ष था। मेक्स से मैकफर्सन, जॉन मैकफर्सन, ये 1785 से 86 तक 1 वर्ष रहे। कॉर्न से कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 93, 7 वर्ष रहे। शोर से शोर, सर जॉन शोर, 1793 से 98 तक रहे, 5 वर्ष। बेल्स से वेलेज अली, लॉर्ड वेलेज अली, 1798 से 1805 तक रहे, 7 वर्ष। बार्लो से बार्लो, सर जॉर्ज बार्लो, 1805 से 1807 तक रहे, 2 वर्ष। मिंटो से मिंटो, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, 1807 से 1813 तक रहे ये, 6 वर्ष। हेस्टिंग्स
हैज़ से हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक रहे ये 10 वर्ष। एम से एम हस्ट, लॉर्ड एम हस्ट ये 1823 से 28 तक रहे 5 वर्ष। बेंटिक से बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये 1828 से 1833 तक रहे 5 वर्ष। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और इन्हीं के समय में 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ जिसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। याद रखना है ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के, यहाँ बंगाल को हटा के हमें क्या करना है, भारत, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बहुत जल्द भारत के सभी गवर्नर जनरल और वायस राय को याद करने की आसान ट्रिक भी अपलोड कर दी जाएगी। बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।